आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेशवा बाजीराव के इतिहास के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में हुआ था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ और माता का नाम राधाबाई था। इनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव एक छोटा भाई भी था। चिमाजी अप्पा बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिसके तीन पुत्र थे, बालाजी, बाजीराव, रघुनाथ राव, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णा राव रखा गया था। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा सम्राट के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। वे मराठा छत्रपति राजा साहू के चौथे प्रधानमंत्री थे। बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री का पद सन 1720 से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक देखा नहीं गया। उनके चार घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंगा और औलख। उनकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फुट ऊंचे थे, उनके हाथ भी लंबे थे, वालिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तांबई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव को सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पसंद थे। पूरी सेना को वे सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वे सेना में जोश भर देते थे। इसी के साथ बताना चाहूंगा मराठा साम्राज्य के पेशवा, तो सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थिति उनके आवास तक ही सीमित रह गई। मराठा साम्राज्य कुंके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था, उनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आजादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों से बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमा मंडित किया गया। बाजीराव ने शिवाजी के नाते साहूजी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत का लोहा मनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पदवादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपह सालार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। हालांकि सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, वे सब पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पुना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियायतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर जिंदा थी। छत्रसाल की मौत के बाद उनकी तिहाई हिस्सा भी बाजीराव को मिला। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव अकेला ऐसा युद्ध लड़े थे जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मांटगोमरी
ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वारफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की थी। इसी के साथ बताना चाहूंगा निजाम के खिलाफ अभियान, तो पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवैध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वो दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल हुआ। इसके एवज में 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया और उन्होंने जालना, बुरहानपुर और खानदेश सहित निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ जिसे पलखेद की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। मालवा का अभियान, तो बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर एक अभियान शुरू किया जिसमें मराठा के प्रमुख रानूजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजी राव पवार, तुकोजी राव पवार और जीवाजी राव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ वसूला। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजा जिसके कुछ प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार। 29 नवंबर 1728 को चिमनाजी की सेना ने मुगलों को अमछेरा में हरा दिया। बुंदेलखंड का अभियान, तो बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा दिया था जिसके कारण दिसंबर 1728 में आक्रमण मुगलों ने मोहम्मद खान बंसज के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनके सम्मान वापस दिलाया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर सौंपी और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज भी मराठों को सौंप दिए। गुजरात का अभियान, तो सन 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को गुजरात भेजा। मुगल शासन के गवर्नर सरबुद्दुल खान ने गुजरात का कर इकट्ठा चौथ और सरदेश मुखी को मराठों को सौंप दिया। 1 अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दावाड़े, गायकवाड़ और कदम बंदे की सेना को हरा दिया और दभोई के युद्ध में त्र्यंबक राव की मृत्यु हो गई। 27 दिसंबर 1732 में निजाम की मुलाकात पेशवा बाजीराव से रोहे रमेश राम में हुई, परंतु निजाम ने कसम खाई कि वो मराठों के अभियानों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिद्दियों के खिलाफ अभियान, तो जंजीरा के सिद्दी मुस्लिम राजा एक छोटा राज्य पश्चिमी तटीय भाग और जंजीर के किले को संभालते थे, पर शिवाजी की मृत्यु के बाद से वो धीरे धीरे मध्य और उत्तर कोंकण पर भी राज्य करने लगे। सन 1733 में सिद्दी प्रमुख रसूल याकूत खान की मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। उनके एक पुत्र अब्दुल रहमान ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी जिसके कारण बाजीराव ने कान्होजी अंग्रे के पुत्र शेखोजी अंग्रे के नेतृत्व में एक सेना मदद के लिए भेज दी। मराठों ने कोकण और जंजीरा के कई जगहों पर काबू पा लिया और 1733 में ही उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया। 19 अप्रैल 1736 में चिमनाजी ने सिद्दियों पर आक्रमण कर दिया जिसके कारण लगभग 1500 से ज्यादा सिद्दियों की मृत्यु हो गई। मुगलों के गढ़ दिल्ली के खिलाफ अभियान, तो बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठों को शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठों का अधिकार क्या है। उस वक्त निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम मुगल साम्राज्य का 22 राय था। उसने डक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठों को कर वसूलने के अधिकार के लिए चुनौती दी। बहुत जल्दी मराठों ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त किया।
19-20 साल के उस युवा बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा था। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। ये घटना वंशाली की फिल्म में नहीं है। दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाते छत्रपति साहू से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं, और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति साहू 7 से 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। वे मुगल की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उस पर भी भारी पड़ा। इसी के बाद आपको बताता चलूं कि दिल्ली पर आक्रमण तो उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होलकर और पिताजी जादव की सेना यमुना पार करके दोआब में आ गई और मराठों से खौफ में था सादात खां। उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चा भी इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हार राव होलकर ने रणनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सादात खां ने इसे मराठों का डरना समझा और उसने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चल गया। बस उसी वक्त बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सब कुछ सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ उसके सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि एक खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। इसी के बाद 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में अब तक तो आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला करना। इसी के बाद बताना चाहूंगा कि अपनी इज्जत गवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। निजाम डक्कन से निकल पड़ा और इधर से बाजीराव और उधर से निजाम दोनों मध्य प्रदेश के सिनरौजी में मिले, लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उनको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह मिलने जा रहे हैं किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठाओं ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपहसालारों के साथ मिलाया और बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लिया, लेकिन कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव वल्लभ भट्ट दूरदर्शी योद्धा था, वह पहले से ही यह सब जानता था। वह अपने भाई चिमनाजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को डक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था ताकि वे फिर सिर न उठा सकें। और 7 जनवरी 1738 को संधि दोहराई हुई, मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हरजाना बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, इसलिए उस पर ये मराठाओं की हार सबसे बड़ी हुई और ये जुर्माना भी वसूला गया। वही बताना चाहूंगा पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान पेशवा बाजीराव वल्लाल भट्ट यही नहीं रुका, अगला अभियान उसका पुर्तगालियों के खिलाफ था। कई युद्धों में उन्हें हराकर उसको अपनी सत्ता मानने पर उसने मजबूर किया। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। सालसेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी और वे हिंदुओं में जातिवाद बढ़ाकर धर्मांतरण का कार्य कर रहे थे। वसई युद्ध के बाद मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी सेना चिमनाजी के नेतृत्व में भेजी थी, थाना किला और बेसिन पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद बाजीराव की मृत्यु तो बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वे इंदौर के पास खरगोन शहर में रुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव का निधन मालवा में ही नर्मदा किनारे रावेर खेड़ी में लू लगने के कारण हुआ था। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में ना चल बसता तो ना अहमद शाह अब्दाली या नासिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकत होती। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले
जाना मराठों के लिए ही नहीं, देश के बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीर में जकड़े रहा भारत, और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। वाराणसी में नाम उनके नाम का एक घाट है जो खुद बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिड़ला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। कच्छा में उनका बनाया आईना महल, पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा है। पूना शहर को कस्बे से महानगर में तब्दील करने वाले बाजीराव बल्लाल भट्ट थे, और सतारा से लाकर कई अमीर परिवार वहां बसाए गए थे। तो दोस्तों, ये थी पेशवा बाजीराव के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, उनका इतिहास। तो आपको कैसे लगी जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इतिहास है जिसको हम अपने चैनल पे ला सकें तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।